गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भैया गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, जम्मू से भेदभाव बंद करो। देखिए पिछले कई दिनों से NSA सड़कों पे उतर रही है और हमारे पार्टी के तमाम नेता जम्मू की आवाज उठा रहे हैं। जिस प्रकार रमन भल्ला जी और तमाम नेताओं ने इस सरकार को नींद से जगाने का काम किया है और इन बच्चों के साथ मजबूती के साथ खड़े होने का काम किया है, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये सरकार जो 2016 में एक ऐसा कानून लेके आई जिसमें इन्होंने 5 कॉलेज जो ऑलरेडी एफिलिएशन थी जिनकी जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ, उन्होंने एक नया यूनिवर्सिटी बना के हमें बेवकूफ बनाया, यहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन किया, कहा कि यहाँ के बच्चों के नए कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ के बच्चों के लिए नई पीजियां लाएंगे, यहाँ के बच्चों के लिए हम नए प्रोग्राम्स लाएंगे। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में हुआ ये कि उन बच्चों को वहाँ पे दाखिला देने से मना किया, उन बच्चों को ये कहा गया कि आपको यहाँ पे दाखिला नहीं दिया जाएगा, आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाए। ये प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस के जेब गर्म करने का काम कर रहे हैं और चांसलर साहब वहाँ पे श्रीनगर बैठ के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और जमीनी सत्ता पे स्टूडेंट जो है सड़कों पे, वो हमारे चांसलर हैं, उन्होंने आज तक कभी भी इस बात को नहीं किया कि मैं स्टूडेंट्स के लिए हूँ, मैं स्टूडेंट जो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे इनके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। हमारी डिमांड मेन ये है कि जल्द से जल्द क्लस्टर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जल्द से जल्द जो है सीटों का जो है बढ़ाया जाए, सीटों को बढ़ाया जाए, अगर सीटें नहीं बढ़ती तो जम्मू के अंदर इससे बड़ा आंदोलन होगा और वो जिसके जिम्मेवार सिर्फ चांसलर साहब होंगे।